दोस्तों देख सकते हैं मेरा सेटअप है, और ये मेरा थॉर हथौड़े का की चेन है। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं पोट्रॉनिक्स का डेसिबल वन एक नया स्पीकर है जो अपने मैंने मम्मी के लिए लिया था, तो उसके बारे में बताऊंगा। इस स्पीकर की साउंड क्वालिटी और बाकी फीचर्स वगैरह बहुत ही अच्छे लगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये स्पीकर आपको भी पसंद आएगा। और मैं कोई रिव्यू वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन यह पर्सनली लिया था तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए हमने सोचा कि इसके बारे में वीडियो बनाया जाए। दोस्तों इस स्पीकर को करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले मिला है यूज़र मैनुअल, ये यूज़र मैनुअल है डेसिबल वन का, और इसको रखते हैं साइड में। फिर निकालते हैं स्पीकर। स्पीकर काफ़ी वेटेड है, काफ़ी बिल्ड क्वालिटी में ज़बरदस्त लग रहा है। बबल रैप को हटाते हैं, उसके बाद स्पीकर को देखते हैं। देखते रहे ब्लैक कलर में, और बहुत ही शानदार दिख रहा है ये ब्लैक कलर में। ये सामने पोट्रॉनिक्स का ब्रांडिंग है। इसके साइड में इस स्पीकर को ऑपरेट करने के लिए बटन वगैरह दिए गए हैं, और चार्जिंग पोर्ट भी दिया हुआ है। चार्जिंग में 5 और डेटा केबल आपको मिलेगा, और ये उसके राइट साइड में है मेमोरी कार्ड लगाने के लिए, पेन ड्राइव लगाने के लिए लेफ्ट साइड में दिया है, प्लस माइनस और प्ले पॉज और पावर ऑन ऑफ बटन दिया हुआ है। पावर ऑन ऑफ बटन से आप मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। मोड में जैसे वन टाइम आप प्रेस करेंगे तो ऑक्स, उसके बाद ब्लूटूथ, उसके बाद क्लॉक मोड, ऐसे आप चेंज कर सकते हैं। और लॉन्ग प्रेस करेंगे तो पावर ऑफ हो जाएगा, लॉन्ग प्रेस करेंगे तो पावर ऑन भी हो जाएगा। ऐसे वॉल्यूम घटाने और बढ़ाने के लिए भी हमें लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा, और अगर वॉल्यूम प्लस माइनस को एक बार दबाते हैं तो गाना उससे नेक्स्ट और प्रीवियस होगा। इस बॉक्स से दो तरह के केबल निकले हैं। पहला है ये चार्जिंग केबल जो नॉर्मल मोबाइल चार्जर से कनेक्ट होकर चार्जिंग करेगा। दूसरा है ये 3.5 mm जिसमें कि ब्लूटूथ नहीं होता है, जैसे डेस्कटॉप पीसी है उसमें ब्लूटूथ नहीं होता है, या मोबाइल से ही आपको 3.5 mm से कनेक्ट करके चलाना हो तो उसी चार्जिंग पोर्ट से कनेक्ट करके अपने लैपटॉप या मोबाइल या फिर डेस्कटॉप को कनेक्ट कर सकते हैं 3.5 mm जैक से। अब इसको करते हैं किनारे, और अब जिस स्पीकर को हम ऑन करके देखते हैं। ऑन करने के लिए वही लॉन्ग प्रेस करेंगे। ये देखिए ऑन हो गया। पावर ऑन, गेट रेडी टू पोर्ट टू द फ्यूचर। ब्लूटूथ मोड, योर डिवाइस इज रेडी टू पेयर। देखिए इसमें आपका यू आर नाउ कनेक्टेड टू योर डेसिबल वन और डिजिटल क्लॉक, इसकी भी सेटिंग होती है। इसमें क्लॉक होता है, अलार्म भी होती है, इसको मोड से चेंज कर सकते हैं। इसकी सेटिंग प्लस माइनस समय घटाने बढ़ाने के लिए, क्लॉक वगैरह अलार्म वगैरह सेट करने के लिए यहाँ से हो जाता है। इस स्पीकर का बैटरी बैकअप 6 घंटे तक का है, और इसमें 2200 mAh की बैटरी पड़ी हुई है। सबसे पहले इस स्पीकर का वॉल्यूम मैं फुल कर दे रहा हूँ। देखिए 30 वॉल्यूम हो गया, मैक्सिमम 30 इसमें वॉल्यूम होता है, और ये आपका इसमें एक गाना प्ले करते हैं। देख सकते हैं कितना लाउड स्पीकर है इसमें। आपके घर के लिए मतलब कि बहुत ही परफेक्ट है, और इसका बेस वगैरह बहुत ही अच्छा है। इसमें मोड बटन से हम इस क्लॉक को सेट भी कर सकते हैं,
जैसे कि अभी हम सेलेक्ट कर रहे हैं इसको, ऑक्स मोड, ऑक्स मोड, क्लॉक मोड, क्लॉक मोड आ गया। यहाँ पे हम इसका टाइम सेट करेंगे, ये हमने प्ले पॉज का बटन दबाया और ये टाइम सेट कर रहे हैं अभी। इसमें 24, 23, 20 आठ बजकर कितना हुआ है भाई, 42 मिनट हो गया। अब पॉज बटन दबाएंगे और यहाँ पे 42 सेलेक्ट करेंगे। देखिए माइनस बटन से हम ये कर रहे हैं, ये हो गया 43 रहने दे रहे हैं। अब ये ओके कर दे रहे हैं। अलार्म मोड, अलार्म सेट करना हो तो यहाँ पे अलार्म भी सेट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फीचर है ये। घड़ी वाला फ़िलहाल तो स्पीकर में नहीं आता है किसी, ये घड़ी का जो इसमें अलग से दे रखा है इतने कम प्राइस में, और किसी स्पीकर में इस तरह से फीचर्स नहीं आते हैं। अभी मोड सेलेक्ट करते हैं, ब्लूटूथ मोड, ब्लूटूथ मोड। योर डिवाइस इज रेडी टू पेयर, ये हमारा मोबाइल से कनेक्ट हो गया। यू आर नाउ कनेक्टेड टू योर डेसिबल वन, डेसिबल वन कनेक्टेड हो गया। उम्मीद है कि इस स्पीकर का रिव्यू वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।